एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। यह मठ कई समर्पित भिक्षुओं का घर था जिन्होंने अपना जीवन बुद्ध की शिक्षाओं के लिए समर्पित कर दिया था। उनमें आनंद नाम का एक युवा भिक्षु भी शामिल था जो अपनी सच्ची साधना और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। आनंद एक मेहनती शिष्य थे, फिर भी वह सेक्स के प्रति विचारों और इच्छाओं के प्रलोभन से जूझते थे जो कभी कभी उनके दिमाग पर छा जाते थे। उन्होंने मार्गदर्शन पाने के लिए अपने वरिष्ठ आदरणीय महाकाश्यप से संपर्क किया। आदरणीय महाकाश्यप ने आनंद की स्वीकारोक्ति को ध्यान से सुना और कहा, मेरे प्रिय आनंद, आप इन प्रलोभनों का सामना करने वाले अकेले नहीं हैं। मन एक बेचैन बंदर की तरह भटकता रहता है। हालांकि मैं आपके साथ एक दृष्टांत साझा करूंगा जो आपको इन इच्छाओं पर काबू पाने में मदद कर सकता है। उन्होंने एक कमल तालाब की कहानी सुनानी शुरू की जो मठ से ज्यादा दूर नहीं था। इस गांव में, आदरणीय महाकश्यप ने कहा, वहां यह एक सुंदर कमल तालाब था। इस तालाब में कमल के फूल पूरे क्षेत्र में सबसे सुंदर थे जो दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करते थे। लोग नाजुक पंखुड़ियों और उनके जीवंत रंगों की प्रशंसा करने आते थे और तालाब हमेशा प्रशंसकों से भरा रहता था। आनंद ने ध्यान से सुना उत्सुकता से कि यह कहानी उनके संघर्ष से कैसे संबंधित है। एक दिन आदरणीय महाकश्यप ने आगे कहा, बच्चों के एक समूह ने कमल तालाब की खोज की। वे घर ले जाने के लिए कमल के फूलों को तोड़ने से खुद को रोक नहीं सके। तालाब एक बार आश्चर्यजनक फूलों से भरा हुआ। जैसे जैसे बच्चे दिन ब दिन कमल तोड़ते गए, मुरझाने लगा। आनंद ने सिर हिलाया, सादृश्य देखने लगा। आदरणीय महाकाश्यप ने समझाया, कमल तालाब का मालिक व्याकुल था। उन्होंने कमल के फूलों को बचाने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन बच्चे उन्हें तोड़ते रहे। आखिरकार उन्हें एक विचार आया। फूलों को टूटने से बचाने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने बच्चों को एक अलग प्रोत्साहन देने का फैसला किया। वह प्रोत्साहन क्या था, आनंद ने पूछा। उन्होंने बच्चों को मिठाइयां और फल बांटना शुरू कर दिया। आदरणीय महाकाश्यप ने उत्तर दिया, उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां वे संतुष्ट और संतुष्ट थे। परिणाम स्वरूप बच्चों ने कमल के फूल तोड़ने में रुचि खो दी और तालाब एक बार फिर से खिल उठा। आनंद को कहानी का पाठ समझ में आ गया। तो आदरणीय महाकाश्यप, आपके कहने का मतलब ये है कि मुझे अपने सेक्स के बुरे विचारों को दबाने की कोशिश करने के बजाय अपने जीवन में संतोष और संतुष्टि पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदरणीय महाकाश्यप मुस्कुराए, बिल्कुल मेरे प्रिय आनंद, मन कमल की तरह तालाब रूपांतरित किया जा सकता है। अपने विचारों का विरोध करने के बजाय शिक्षाओं की गहरी समझ विकसित करें, ध्यान में संलग्न हों और अच्छे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन को सकारात्मक और सार्थक अनुभवों से भरते हैं, क्षण भंगुर इच्छाओं का आकर्षण स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। आदरणीय महाकाश्यप ने आगे कहा, मैं आपके साथ कुछ और प्रभावी टिप्स साझा करूंगा जो आपको सेक्सुअल विचारों से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। एक, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, जिससे आपको उन पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। दो, ट्रिगर्स को पहचाने कि इन विचारों को कौन ट्रिगर करता है और उन स्थितियों से बचने या प्रबंधित करने का प्रयास करें। तीन, नकारात्मक विचारों को पुनः फ्रेम करें। नकारात्मक या अवांछित सेक्सुअल विचारों को चुनौती दें और उनके स्थान पर अधिक सकारात्मक विचार रखें। चार, अपना ध्यान भटकाएं। अपने ध्यान को पुनर्निर्देशित करने के लिए उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपके दिमाग पर कब्जा करती हैं, जैसे शौक या व्यायाम। पांच, संज्ञानात्मक व्यवहार, थेरेपी, CBT। विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलने पर एक पेशेवर के साथ काम करने के लिए थेरेपी पर विचार करें। छह, सीमाएं निर्धारित करें। मीडिया या बातचीत में सेक्सुअल सामग्री के संबंध में व्यक्तिगत सीमाएं स्थापित करें। सात, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। नियमित व्यायाम,
संतुलित आहार और पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। 8. सहायता लें। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या चिकित्सक से बात करें। 9. विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। गहरी सांस लेने या प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम जैसी तकनीकें इन विचारों से जुड़ी चिंता को कम कर सकती हैं। 10. आत्मकरुणा। अपने प्रति दयालु बने। दखल देने वाले विचार आम हैं और आपके चरित्र को परिभाषित नहीं करते हैं। आदरणीय महाकश्यप ने आगे कहा, आनंद याद रखिए कि दखल देने वाले विचारों पर काबू पाने में समय और प्रयास लग सकता है। अपने आप में धैर्य रखना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना जरूरी है। आनंद ने इन शब्दों को दिल से लिया और अपने वरिष्ठ भिक्षु की सलाह का लगन से पालन किया। उन्होंने खुद को ध्यान में डुबो दिया, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अपनी समझ को गहरा किया और दया और करुणा के कार्यों में लगे रहे। जैसे जैसे महीने बीतते गए, आनंद ने पाया कि उनके सेक्सुअल विचार उनके दिमाग पर अपनी पकड़ खोने लगे थे। इसके बजाय उन्हें आंतरिक शांति, संतुष्टि और आध्यात्मिक संतुष्टि की बढ़ती भावना महसूस हुई। वर्षों बाद आनंद मठ में एक सम्मानित शिक्षक बन गए और दूसरों को ज्ञानोदय के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। वह अक्सर कमल तालाब की कहानी और आदरणीय महाकश्यप से प्राप्त ज्ञान को साझा करते थे। आनंद के परिवर्तन की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि इच्छाओं का विरोध करना हमेशा सबसे प्रभावी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। सकारात्मक गुणों को विकसित करने और स्वयं की गहरी समझ पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति धीरे धीरे उन विकर्षणों पर काबू पा सकता है जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। कमल के तालाब की तरह मन ध्यान और संतुष्टि की सुंदरता से खिल सकता है जब उसे सचेतनता और सदाचारी जीवन से पोषित किया जाता है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और नए वीडियो का आनंद लें।